हाय गाइस, मैं उशांत्रु और कोई मुझे बताएगा कि क्रॉक्स को इतना हाइप क्यों कर रखा है। बाय गॉड, चमगादड़ के अंडकोश जैसे दिखने वाली इन चीजों को बोला क्या जाता है? क्या ये चप्पल है, क्या ये जूते हैं, या फिर मिस्र में गाड़ी हुई मम्मीज को जगाने का यंत्र? साले देखने में इतने ज्यादा भद्दे हैं कि लोग अपने घर के आगे वो शैतान की मुंडी टांगते नहीं, नजर बट्टू बोलते हैं, उसको उतार के इसको टांग दो, जो देखेगा एक आंख में मोतिया दूसरी में तो भैंस चुंधियापन। और क्रॉक्स को पहनने वालों के एटीट्यूड के सीताफल इतने भारी है उनसे संभाले नहीं संभलते। कल मेरा एक दोस्त आया, उसने क्रॉक्स पहने हुए थे और छूटते ही मेरे से पूछता, व्हाट्सअप ब्रो, हाउ आर यू। अब यही साला बैतुल खाले जैसी शक्ल वाला मेरा दोस्त 3 महीने पहले तक 271 रुपए में 3 जोड़ी लखानी की कैंची चपले लगड़ रहा था, और तब मेरे से मिलता था तो मेरे को बोलता था, हाँ बोस कैसा है। और जो तुम्हें लोग ये क्रॉक्स खड़काते हुए मिलेंगे ना, ये साले सारे के सारे होंगे या तो एमिटी के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, या तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बेचारे संतोष का 1 साल का BA प्रोग्राम हो जाए जितने का सबसे महंगा क्रॉक आता है। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी वाले लॉन्डो के लिए तो ये चप्पल होगी रोल्स रॉयस है। अबे ये नाशपाती के रंग जैसा नाशपिटा क्रॉक 5000 रुपए का है। तो भाई, अगर तुम्हारी दोस्ती यारी में खून गुड़िया तात्या बिच्छू की इन फेवरेट चप्पलों को अगर फ्लेक्स कर रहा है ना, उनसे 18 फुट का डिफरेंस बना के रखो, और जहां दिखे ना दूर से ही ना इशारे से कर देना कि यहीं से यू टर्न लो और घर निकल लो। ये ऑनेस्टली सही। सो गाइस, वेरी ऑनेस्टली सेइंग, नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट से अब लोगों को ज्यादा उम्मीद रही नहीं है, बेसिकली बिकॉज पिछले 1.5-2 साल में जो इनके पोस्टर बॉय शोज रहे हैं वो रहे हैं द शोज लाइक द बिग डे, इंडियन मैच मेकिंग एंड फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स। बट टाइम एंड अगेन नेटफ्लिक्स अपनी चुतियापे की वेस्पा में ब्रेक लगाता है और सोचता है कि यार मुझे कुछ अच्छे शोज भी बनाने चाहिए। एंड राइट देन इज वेन हमारे को जब अच्छे शोज देखने को मिलते हैं, जैसे हो गया रे, हो गया जमतारा, हो गया और रीसेंट हिस्ट्री में ही अभी अरण्यक जैसे शोज हमारे को देखने को मिले जो वेरी वेल मेड थे, वेरी वेल थॉट आउट थे। और इस हफ्ते भी एक ऐसा ही शो आया है जो आपको हुक्ड रखेगा और आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि भोसड़ी का प्यार होता क्या है। 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर सकती हैं, पैसा, ताकत और ये काली काली आंखें। ये काली काली आंखें एक स्टोरी है एक ऐसे लौंडे की जो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाता है, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करता है, वहीं पे एक लड़की से प्यार में पड़ जाता है और दोनों सोचते हैं कि भैया हम दोनों मिलकर शादी करेंगे, छोटा सा घर बनाएंगे, अच्छी सी जिंदगी सेट करेंगे। एक ही जिंदगी हमारे पास और इसे तुम्हारे साथ बितानी है। और यही इसी लौंडे के सपनों की फालसे की रेड़ी पे अपनी सकूटी दे मारती है एक ऐसी लौंडिया जो बचपन से इसके साथ स्कूल में पढ़ी होती है और होती है इससे हाईली ऑब्सेस्ड। विक्रांत, हमारे फ्रेंड बनोगे? सो वेरी ऑनेस्टली, जब मैंने इस शो का ट्रेलर देखा था तो मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि भैया बड़ा कॉन्ट्रास्टिंगली नया देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सब कुछ सेम देखा वाला ही लग रहा था कि छोटे शहर की लैटबाजी चल रही है, पॉलिटिशियंस की हवाबाजी चल रही है, लव ट्रायंगल हो सकता है, गोलियां चल रही है, स्टफ लाइक दैट। वी हैव सीन दैट, भाई यूपी की भाषा में बातें हो रही है, गाली गलियाया जा रहा है लोगों पर। बट स्टिल मैं इस शो को देखने के लिए एक्साइटेड सिर्फ एक रीजन के लिए था, और वो ये था कि इस शो के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ सेन गुप्ता, और सिद्धार्थ सेन गुप्ता राइटर हैं उसी शो के जिसका नाम था अनदेखी। 2020 में सोनी लिव पे आया था ये वाला शो, एंड हैंड्स डाउन गाइस 2020 के अगर top 3 to top 5 शोज की अगर कैटेगराइजेशन करी जाए तो अनदेखी वुड बी इन द top 3। और अनदेखी लिखने से पहले सिद्धार्थ सेन गुप्ता ने डायरेक्ट किया था ऑल्ट बालाजी के लिए एक शो जिसका नाम था अपहरण, काफी लोगों ने वो देखा, IMDb पे भी 8+ रेटिंग है उसकी, एंड दैट शो ऑल्सो इज वेरी वेल मेड। अब अनदेखी और अपहरण को देखा जाए तो वहां पे भी आपको कुछ कॉन्ट्रास्टिंगली न्यू देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो पिविटल टोन थी पूरे के पूरे दोनों शोज की वो ये थी कि भैया पैसा और पॉलिटिक्स का जो विशेष सा मिक्स है वो एक गलत आदमी के हाथ लग जाए तो एक नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी की जिंदगी में कितनी बुरी आग वो लगा सकता है। और यही चीज इन्वेंट नहीं कर रहे हैं सिद्धार्थ सेन गुप्ता, ये हमने बॉलीवुड में सालों से देखते आ रहे हैं, बहुत सारी वेब सीरीज में भी हमने सब कुछ देखा हुआ रहा है। व्हाट ही इज डूइंग डिफरेंटली इज ही इज री इन्वेंटिंग द व्हील, वो उसी चीज को उठाते हैं जो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे हो रही है, हम सब लोगों ने देखी है होते हुए हमारे सामने, और उसी शो को इतने अच्छी तरह वो बनाते हैं, उसकी लिखाई, सिनेमेटोग्राफी, सारे शॉट्स, इनफैक्ट कास्टिंग भी टू द पॉइंट है, और इस शो में भी आपको यही देखने को मिलेगा। पूर्वा, हमारे इलाके के राक्षस अखिराज अवस्थी के दिल का टुकड़ा। एक और चीज जो इस शो के फेवर में एक्ट करती है वो है थ्रिल और सस्पेंस, वो भी इतनी जबरदस्त तरीके से स्क्रिप्टिंग में लिखा गया है कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे। बहुत सारी चीजें तो ऐसी थी कि आपको लगेगा कि भाई यही होगा, हर 1.5 साल जो इसे बैठ कर देख रहा होगा, अरे हमें तो पता था कि ये होने वाला था, बट नहीं, वो होगा नहीं, यही ब्यूटी है इसकी स्क्रिप्टिंग की। इस शो के पहले 2 एपिसोड देखने के बाद मुझे 1996 की एक फिल्म याद आई जिसका नाम था चाहत, और जिसके लीड में थे शाहरुख खान और पूजा भट्ट। अब शाहरुख खान और पूजा भट्ट को आपस में होता है प्यार, और शाहरुख खान के कैरेक्टर से एक लड़की हो जाती है ऑब्सेस, और फिर सबकी मैया पोत देती है वो पिक्चर के अंदर। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत याद गुप्त की भी आएगी अगर आपने गुप्त देखी है, क्योंकि उसमें भी सिमिलर सी स्टोरी लाइन थी। बट देन अगेन ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, क्योंकि वो बहुत पुरानी पिक्चरें हैं, और यहां पे जिस हिसाब से ऑब्सेसिवनेस उस लड़की की मेल कैरेक्टर
कैरेक्टर की तरफ दिखाई गई है वो बहुत अलग तरीके से, वो वायलेंट ऑब्सेशन नहीं है, वो ऑब्सेशन है पावर की। उस लड़की को पता है कि मेरा बाप बहुत पावरफुल आदमी है और मैं जिसको चाहे उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। टाइम पे पहुंचना वरना तुम्हें उठवा लेंगे। आंचल सिंह प्ले करती हैं द ऑब्सेसिव गर्ल, जिनका नाम होता है शो के अंदर पूर्वा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसके कैरेक्टर के अंदर ना मैडनेस के शेड्स हैं। बड़ी ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है द ब्लेंड बिटवीन ऑब्सेसिवनेस एंड साइकोसिस, और इसी लड़की की ऑब्सेसिव साइकोसिस को नर्चर कैसे करते हैं उनके फादर यानी सौरभ शुक्ला, जो प्ले करते हैं द रोल ऑफ अखिराज अवस्थी। एक चीज अच्छे तरह से समझ लो, एंड सौरभ शुक्ला जी लाइक एवरी टाइम किल्स दिस रोल एज वेल। एक बाहुबली पॉलिटिशियन का रोल वो प्ले कर रहे हैं, कैसे वो गुंडागर्दी मचाते हैं, कैसे उनके जोक्स भी हैं इसके अंदर, किस तरह से वो बोलते हैं वो भी इतना फनी लगेगा आपको देखने में, और साथ ही साथ उनका कैरेक्टर जो है वो एक टेंशन बना के रखता है थ्रू आउट द 6-7 एपिसोड्स। तुम पूर्वा की ट्रॉफी हो और जीतेगी तो वही। तो भैया ये काली काली आंखें मेरी हो जाएंगी, मेरे को उस तरह की टीम घुसंड पेल कर देगी अगर इंटेग्रेशन नहीं दिया। उनके चैनल पे हमारी नई वीडियो आ गई है, उसका टीजर देखो। यूट्यूबर्स की गाली गलौज के खिलाफ ना मांगी, किसी ने नहीं मांगी थी ये मुहिम, किसी ने नहीं मांगी थी इनकी बकचोदी, वो करने वाले यानी थारा भाई जोगिंदर। जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर इस लॉकडाउन में इतना तगड़ा हेयर स्टाइल कर देगा, सोची नहीं होगी। ताहिर राज भसीन ने प्ले कराया द रोल ऑफ विक्रांत, जो लीड है इस शो के अंदर। तो ताहिर राज भसीन का कैरेक्टर भी बहुत सारे शेड से गो थ्रू करता है थ्रू आउट द वेब सीरीज। कुछ कुछ शॉट्स दहशत वाले जो होते हैं ना, हेल्पलेसनेस जो होती है कि भाई मैं अब क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट्स दिए हैं ताहिर राज भसीन ने। नदी में रहकर मगर से पैर नहीं करते। स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है कि कहीं कहीं आपको लगेगा कि ह्यूमर देख के इसका कि एक डार्क कॉमेडी भी है। इस शो में बेसिकली सारी की सारी कॉमेडी करी है एक बंदे ने और उसका नाम है अनंत जोशी। अनंत जोशी गंदी बात में आया था और वर्जिन भास्कर में भी आया था, और यहाँ पे वो बेस्ट फ्रेंड प्ले करता है लीड एक्टर का और उसका नाम होता है गोल्डन। उस हरामजादी को पूरे शहर में हमारी जिंदगी मिली थी ठोकने के लिए। और गोल्डन के साथ साथ बहुत अच्छी कॉमेडिक टाइमिंग है इसमें विजेंद्र काला जी की, जो हमेशा से एक बाप का रोल प्ले करते आए हैं और हमेशा से ही उनकी कॉमेडिक टाइमिंग हर पिक्चर में हर वेब शो में बहुत बढ़िया रही है और यहां पे भी वो आपको बहुत हंसाएंगे। सूर्या शर्मा प्ले करते हैं द राइट हैंड मैन ऑफ सौरभ शुक्ला, और सूर्या शर्मा वही बंदा है जो अनदेखी में भी मेन विलेनियस रोल में था, और जितना मजा आपको अनदेखी में इस बंदे की एक्टिंग देख के आया होगा ना, यहां पे भी उतना ही आएगा। ऑल्दो इतना मेजर रोल नहीं है इसका, लेकिन काफी अच्छा स्क्रीन टाइम है, एंड एवरी टाइम ही कम्स ऑन द स्क्रीन आपको देखने को लगेगा कि यार वो दहशत सी होती है कि ये बिगड़ायल बंदा है, बेंचो गोली मार देगा, अभी किसी का खून कर देगा। यहां पे भी सेम ही फील आता है। तुम तो गए भैया। श्वेता त्रिपाठी की एक्टिंग देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं उनकी मिर्जापुर वाले कैरेक्टर की याद आएगी। तो भैया सिंपल सीधी साधी छोटे शहर की लड़की होती है, सर्कमस्टांसेस के चलते उसको अडेप्ट करना पड़ता है और बदमाशी में घुसना पड़ता है, स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ स्टार्क सिमिलैरिटीज दिखेंगी, बट येट अगेन शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ। शाहरुख गिरी का कोई फायदा नहीं है देखो, हंस गया तुम। सो ऑनेस्टली सेइंग इवन आफ्टर ऑल द थिंग्स दैट वर्क इन द फेवर ऑफ दिस वेब सीरीज, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, समथिंग जो आपने पहले नहीं देखा होगा, बट मैं ये कहूंगा दिस इज अ वेरी वेल क्राफ्टेड टॉपिक, बहुत अच्छी तरह से इसको उठाया गया है। सेम ही चीजें हैं, ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम सा ही आपको देखने को मिलेगा, जो यूपी वाली बेस्ड होती है भाषा दिखाई जाती है वो, उसके बाद मारा मारी, तमंचा, कट्टा, ये सब आप हम सब ने देखा हुआ है ये, पर इसको ट्रीट जिस हिसाब से डायरेक्टर ने किया है, राइटर्स ने जिस हिसाब से दिमाग लड़ाया है स्क्रिप्टिंग करने में, वो देखने में आपको मजा आएगा और उसी के चलते आप सब कुछ बिंज करोगे। मैंने भी ये सोचा था कि 3-4 एपिसोड पहले देखूंगा या फिर बाद में देख लूंगा और बाद में रिव्यू निकालूंगा, बट जब मैंने तीसरे एपिसोड के आगे मैंने उठने की कोशिश करी तो मेरे को लगता रहा यार मैं इसको बिंज कर सकता हूं और बिंज वर्दी है। लेकिन जिसके भाई बाप के पास बम, कट्टा और बंदूक हो, उससे हवाई चप्पल से कैसे लड़ा जाए। तो भैया ऑल इन ऑल ये काली काली आंखें डिसेंट, वेरी वेल मेड, बिंज वर्दी शो है। बाहर केस बढ़ रहे हैं, घर बैठो इस वीकेंड इसको देखो। अगर ये नहीं देखनी या देख ली है तो इस हफ्ते मैंने भैया बैक टू बैक ना शॉर्ट हॉरर फिल्म्स देखी हैं, बिंज करी हैं, उनमें से टॉप 5 अपने पिक्स बताता हूं। चिल्डर, आईओ, द स्माइलिंग मैन, द हाइट बिहाइंड, मैन ऑन अ ट्रेन। और अब मूवी रिकमेंडेशंस के साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे को उन गानों का भी रिकमेंडेशन दूं जो मैं सुन रहा हूं, जो मेरी प्लेलिस्ट पे है। तो अब से हम हर हफ्ते वो भी करेंगे। इस हफ्ते मेरी प्लेलिस्ट पे जो 5 गाने हैं वो ये हैं: 2022 फ्लो, ज्ञानी, चंगा, Into You, Synthwave Gober। तो गाइज ये थी इस हफ्ते की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लेलिस्ट अच्छी लगी हो, रिकमेंडेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और क्या, नेक्स्ट वीक मिलेंगे अब। वहाँ बाय।